आज अंदाजे कितने लोगों का खाना बन रहा है? कम से कम 70,000 लोगों का भोजन तैयार हो रहा है। अच्छा, और भोजन कब तक चलेगा? जब तक हमारे भक्तगढ़ रहेंगे तो भोजन बंद नहीं होगा, चालू रहेगा, चालू रहेगा। जय हर हर महादेव। आज हमारा सनातन धर्म बहुत आगे बढ़ गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सनातन धर्म इतना आगे बढ़ गया है और इतना ज्यादा यहाँ पे प्रसाद वगैरह वितरण हो रहा है। आज लाखों लोग यहाँ पे खा रहे हैं, प्रसाद मिल रहा है, कई भूखे लोगों का पेट भर रहा है और सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे सब लोग जुड़ रहे हैं, अदर कास्ट के भी जुड़ रहे हैं। आज युवा पीढ़ी जो दूसरी लाइन में जा रही थी, आज वो भक्ति की लाइन में आ रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या है? हमारे सनातन धर्म इसी तरह बढ़ता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज है कथा का आखिरी दिन और आज हम लोग कथा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा गर्दी आपको दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा रश है और आज ऐसा लग रहा है कि पूरा नागपुर जो है कथा में पहुँच चुका है और बाहर के भी लोग आज आ रहे हैं, क्योंकि 4 दिन से जिन्होंने अटेंड नहीं किया था ना, तो वो आज आखिरी दिन में अटेंड करना चाहते हैं। तो बहुत ही रश है भाई। तो अभी देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा गर्दी है, जितना भी पंडाल डाला वो आपको दिखाई देगा ना, पूरा पैक हो चुका है भाई। कहीं पर भी थोड़ी सी भी जगह नहीं है पंडाल में, और पूरे पंडाल के बाहर लोग यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देंगे। अभी तो लोग आना शुरू ही है, जैसे कि मैं भी 8 बजे ही आया हूँ, तो अभी लोग यहाँ पर आ ही रहे। इधर से अगर आप देखोगे तो आपको आते हुए लोग दिखाई देंगे इधर से, तो अभी लोग आ ही रहे। और यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है, लोग नीचे बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। इधर में अगर आप मेरे इधर साइड में देखोगे तो नीचे बैठे हुए आपको दिखाई देंगे काफी लोग। और पूरा पंडाल देखो भाई कितना हो रहा है, जितना पंडाल है ना, पंडाल कम पड़ गया और पंडाल बड़ा भी दिया गया है कल से, कल और उसके पहले जो छोटा था ना, कल से पंडाल बड़ा भी हो गया है। उसके बावजूद लोग देख सकते हो कि पूरा रोड तक के आखिरी तक के आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, पूरा पैक उधर तक के, यानी पंडाल भी और चटाई भी कम पड़ गई, इतनी ज्यादा पब्लिक है। और पब्लिक तो अभी बढ़ने वाली है क्योंकि आज का आखिरी दिन है ना, इसलिए लोग बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इधर में देखो बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। तो हम लोग सोच रहे ना कि पूरा एक राउंड मार के आपको दिखाए, यानी पूरे पंडाल के आसपास में पूरा राउंड मार के आपको मैं दिखाता हूँ। तो भाई इधर में देख सकते हो आपको कितने लोग दिखाई देंगे भाई, जिधर देखोगे उधर तक के आपको पब्लिक ही पब्लिक दिखाई देंगे, और कुछ नहीं। तो रोड तक के देख सकते हो, इधर में आपको व्यू दिखाई देगा बहुत बढ़िया है। सो गाइस, आने जाने के लिए भी जगह नहीं बची, और अच्छा है कि यहाँ पे एक LCD लगी हुई है, LED लगी हुई आपको दिखाई देंगे, जिसके माध्यम से इधर सब लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। लोग घर में भी देख सकते हैं, लेकिन भाई जो यहाँ पे आने का मजा होता है ना, वो और कहीं नहीं होता, इसी के लिए यहाँ पर आते हैं। तो चलो और इधर चलते हैं हम लोग बाहर साइड, थोड़ा सा व्यू देखते हैं इधर में। तो हम लोग अभी रोड तरफ आ गए हैं और रोड तरफ का हाल देख सकते हो भाई। कितनी ज़्यादा पब्लिक है इधर रोड पे, बहुत ज़्यादा रश है, पूरा रोड जाम हो गया है। तो हम लोग चलते हैं इधर से, ऐसा घूमते हुए जाएंगे थोड़ा। ये सही समय पैक है। सो गाइस, अभी कौन आया है? गडकरी सर। हेलो सर, गडकरी सर। गडकरी सर आज आए है भाई यहाँ पे। तो ये बॉडीगार्ड हमको पहचानते क्योंकि मैं वो जगह जाता हूँ ना इसके लिए। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है कथा में। ये इधर से गाड़ी ऐसी घूम के जाएंगी, पीछे में जाएंगी एंट्री, पीछे में जाएंगी। तो हम भी चलते उधर साइड में, चलो इधर से चलो। तो हम लोग गाइस चल रहे हैं इधर साइड से, हम लोग भी जा रहे हैं अभी, पूरा पंडाल का एक राउंड मारेंगे हम लोग। तो गडकरी सर गए उधर में, भगवान महाप्रेक्षक जीव का कल्याण करना ही।
हम लोग कहते हैं गुरु जी आखिर शिव महापुराण में आने वाले का कल्याण क्यों होता है। शिव महापुराण दूर दूर बैठ के लोग सुनते हैं, उसका फल क्या मिलता है। शिव महापुराण के खंडाल में पहुंचने पर जो मूर्ति है उसका प्रमाण क्या है। शिव महापुराण की कथा सुनकर लोग रथ को अपने शरीर में लगाते हैं उसका प्रमाण क्या है। उसका प्रमाण केवल यही है ये कहाँ लग। तो ये इधर रोड का पूरा व्यू है और ये पूरा कथा का आप देख सकते हो। अच्छा हुआ कि इधर में LCD लगी हुई है, LED वगैरह, तो इधर में सब लोग मस्त बैठ के कथा एंजॉय कर रहे हैं। और मॉर्निंग का टाइम है, अभी सुबह का टाइम है, आपको दिखाई देगा। तो इधर में भी LCD लगी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग ऐसा पूरा घूमते हैं उधर में, देखते हैं। सबसे बड़ा कारण रहा। इधर पुलिस सहायता केंद्र, इधर भी लोग बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। भैया चाय सर कर रहे हैं। इधर दुकानों की तरफ में भी आपको बैठे हुए दिखाई देंगे सब लोग। जिससे हमारे बाबा का दर्शन, केवटीय महादेव का दर्शन हमें इस भारत की भूमि से सीधे बाबा के पास हम पहुंच सके रोड के माध्यम से। मैं चाहूंगा माननीय गडकरी जी से कि दो शब्द यहाँ आए हुए भक्तों के लिए। तो गडकरी सर जैसे कि अभी आए थे ना, तो वो स्टेज पे जा रहे हैं। अभी गडकरी सर कुछ बोलने वाले हैं। मैं उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ और आप सबको जो सत्संग आचरण मिल रहा है उससे आप सबका जीवन अद्भुत हो, संपन्न हो और सुखमय हो, यही बोले बाबा के चरणों में रहना आ जाता। तो यहाँ पे इधर साइड से अगर हम देखेंगे ना तो पूरा पैक आपको दिखाई देगा गाइस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और पूरा जो पंडाल पूरा फुल हो चुका है, यानी थोड़ी सी भी जगह अंदर बैठने के लिए नहीं है और खड़े रहने के लिए नहीं है, कहीं पे भी देख सकते हो। और पूरे इस साइड से लेके आखिरी तक के पूरे प्रॉपर लोग बैठे हुए आपको दिखाई देंगे जो पंडाल के बीच में, सिर्फ खड़े उधर बाहर आखिरी में, और इधर आखिरी में कुछ लोग रोड पे आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ऐसे प्रोग्राम ना नागपुर में होते रहना चाहिए, मज़ा आता है। वो बहुत अच्छा है। ये द्रौपदी नाती है और हमारे और हम आ चुके हैं अभी गाइस इधर प्रवेश क्रमांक दो तरफ में पूरा व्यू देखने के लिए। उसके बाद में हम लोग भी थोड़ा बैठ के कहीं कथा सुनेंगे शांति से। तो इधर पानी मिल रहा है, पानी पी लेते थोड़ा सा फ्री वाला।
देख सकते हो हमारी सर जस्ट तैयारी आने वाला है जी साथ में ही। देखिए फोटी सेवा ये सबसे महंगी गाड़ी है ना लैंड रोवर की, इसमें प्रदीप मिश्रा जी जाते हैं। बाय बाय टाटा। सो गाइस ये देख सकते हो ये था वीआईपी वाला, यानी वीआईपी तो कोई भी नहीं रहता है बट प्रवेश द्वार क्रमांक 2 और वो बैरिकेड के अंदर में बैठने के लिए जगह रहती है पास में, लेकिन पास वगैरह सब पैक हो गया है। और देख सकते हो पूरा एरिया इधर, लोग फिर से वापस जा रहे हैं गाइस इधर साइड से, नहीं उधर का ही चालू है ना तो अभी इधर से जाते हैं हम लोग वापस फिर से अभी तक के, और लोग आ ही रहे लोगों का आना अभी शुरू ही है देख सकते हो। और अभी जितना खाली दिखा था ना अभी जाएंगे तो वो भी खाली नहीं दिखेगा, वो भी अभी पैक दिखने वाला है। तो अभी जहाँ से हम लोग वापस आए थे ना तब तो भी थोड़ी सी चलने के लिए जगह थी हाँ तो अभी इधर से उतनी भी जगह नहीं बची जाने के लिए देख सकते हो, और भरते जा रहा अभी 10 बजेंगे ना तब तक के और भरेगा, और 11 बजे जब खत्म होगी ना भाई कथा तब तो फिर पूछो मत क्या हाल होने वाला है। 11 बजे जाने के लिए जगह ही नहीं बचने वाली है यहाँ से। ये हमारे सारे फॉलोवर्स है तो अभी हम लोग इधर से देख सकते हो कथा। और अभी भी लोग आ ही रहे क्योंकि सुबह की कथा है ना, तो लोग थोड़ा कोई लेट उठता है कुछ है इसके इधर में जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे LCD लगी हुई है बड़ी वाली और सब लोग कथा सुन रहे हैं। खिलाने की सामर्थ्य का लगता है इधर में देख सकते हो काफी लोग आपको दिखाई खिलाने का डर लगता है सब पर वो मेरा महादेव कुछ नहीं एक पेन पत्र एक धतूरा और एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ। पत्नी ने पति से कहा तुम ये गंदा नाली का पानी पी कर आते हो, मदिरा का नशा शराब का नशा कर कर आते हो, ये अच्छी बात नहीं। पति ने कहा तू भी तो रोज संकट तो हम लोग यहाँ से बाहर निकलते तेरा महादेव भी तो भांग का नशा करता था तो हम लोग यहाँ से अभी बाहर निकल रहे पीना। शंकर जी की होड़ करने चला है तो एक सांप कहीं से निकल जाए इसके गले में डाल। शंकर जी की होड़ करने चला है कपड़े उतार नंगा निकल। शंकर जी की होड़ करने चला है तो जेठा हार रहे तेरे फिर चंद्रमा भर ले। दोस्तों जब इतने लोग यहाँ पर आते हैं तो किसी न किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ यहाँ पे होती है, जब दूर से आते हैं लंबे सफ़र से आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे फ्री वैद्यकीय शिविर लगाया गया है जिसमें उनका पूरा मेडिकल चेकअप किया जाता है। तो आइए मैं यहाँ पे आपको इन लोगों से मिला था डॉक्टर से और वो हमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं। सर्वप्रथम हर हर महादेव माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान आमदार मोहनजी मते यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी जे शिव महापुराण करण्यात आलं यामध्ये 24 तास वैद्यकीय सेवाची इथं व्यवस्था करत आली। तुम्हाला बघा बाजूला इथं ॲम्ब्युलन्स ठेवलेली आहे, कार्डियाकचे पेशंट असो, हार्टचे पेशंट असो, मिर्गीचे पेशंट असो, इमर्जन्सी पेशंट अनेक पेशंटला इथून GMC रेफर करण्यात आलं। जवळपास 10,000 ते 12,000 लोकांनी या रुग्णसेवेचा लाभ घेतला। 24 तास हे सेवा चालू आहे, इथे आमचे डॉक्टर्स लोक मेडिसिन देत आहे,
आणि आत मध्ये जे वॉलंटियर बसले होते त्यांच्यासाठी ग्लुकोवांडीच्या बॉटल तयार करून त्यांच्या माध्यमातून ग्लुकोवांडीच्या बॉटला त्यांच्यापासून जे पेशंट होते त्यांना त्रास होत होता त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे। अजूनही कंटिन्युएशन हे वैद्यकीय सेवा चालू आहे। आजचा शेवटचा दिवस आहे आणि माध्यम लोकसेवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून शिव महापूरण करण्यात आली। अनेक लाखो भक्तांनी याचा लाभ घेतला आणि अजूनही घेत आहे। सर्वांना हर हर महादेव, हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय, गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा। तो यहाँ पे खाना की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। ये पूरी रोटी है जो मशीन से बन के यहाँ पे रेडी है अभी, और इधर में हम लोग अभी आगे चल रहे हैं। तो इधर में देख सकते हो जो खाना व्यवस्था है वो कितने जबरदस्त तरीके से बन रहा है यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो सोयाबीन की बड़ी की सब्जी आज बन रही है। हमने उस दिन भी, परसों के दिन भी सोयाबीन की बड़ी की सब्जी खाई थी, परसों नरसों के दिन की बात है शायद। और यहाँ पे तीन चार गंज में सोयाबीन की बड़ी सी सब्जी दिखेंगी। काफ़ी सारी सब्जियाँ यहाँ पे बन रही है। इधर में देख सकते हो बघाराबाद बन रहा है, यहाँ पे बघाराबाद बना हुआ है। और इधर में आलू कटे हुए काफ़ी सारे आलू आपको दिखाई देंगे। अरे सर जी, हमारे इधर ही दिख गए। तो इधर में हम लोग देखते हैं, और इधर में ये सीरा है। ओके, तो यहाँ पे सीरा बना हुआ आपको दिखाई देगा। ये भी सीरा ही यहाँ पे बन रहा है। और देखते हैं, तो यहाँ पे ग्राइंडर में पीसना चालू है टमाटर वगैरह सब्जी के लिए। ये सब्जी के लिए ना, अच्छा ये आलू की सब्जी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। काफ़ी सुंदर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और सब लोग मैनेजमेंट वाले लोग इधर बैठे हुए हैं जो अनाज का मैनेजमेंट। हम लोग इधर, ये स्टोर रूम है, यहाँ पे देख सकते हो गोडाउन में कितना सारा सामान यहाँ पे आपको दिखाई देगा। स्टोर रूम में काफ़ी सारा अनाज यहाँ पर है, यानी अनलिमिटेड ख़त्म नहीं होगा भाई। इतना सारा अनाज आपको दिखाई देगा, बहुत सारा है, इसीलिए अनलिमिटेड है, लास्ट तक है अनाज रहता है यहाँ पे। बहुत सही। तो इधर में चालू है कटिंग वगैरह। तो स्वयं सेवक यहाँ पर मौजूद है। आओ जय श्री राम। तो इधर में टमाटर कट रहे भाई काफ़ी सारे। हर हर महादेव। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है इधर में। तो ये देखो टमाटर टमाटर हाँ ये क्या टमाटर टमाटर। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे साथ में अभी यहाँ पे सभी खाना बनाने वाले ये लोग यहाँ पे मौजूद है। तो भैया कुछ बताना चाहते हैं कि ये कैसे खाना बनाते हैं, हम इनसे पूछते हैं इतने लोगों का मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं। श्री शिवाय नमस्ताभ्यम। तो आप लोग कैसे खाना बनाते हो, इतने लोगों का मैनेजमेंट कैसे कर पाते हो, व्यवस्था में कैसे आप कर पाते हो मैनेजमेंट, ये व्यवस्था भोलेनाथ के आशीर्वाद से है। हमारी टीम कम से कम 400 का है। अच्छा। और यहाँ नागपुर में महाराष्ट्र श्री आमदार मते मोहन जी के तरफ से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, सबके कृपा से हम लोग सुबह 4 बजे से लेकर के 2 बजे रात तक सभी मिल के भक्तगढ़ जो अपने किचन के कारागिर हैं, हाँ। वो सभी के मदद से जितने 20,000 से लेकर के 20,000 से लेकर सुबह का नाश्ता से लेकर के 12 बजे तक 40,000 आदमी को रोज भोजन खिलाया जा रहा है। रोज जो है पब्लिक रेगुलर बढ़ रही है या फिर कम है, यानी कितनी संख्या है पब्लिक रोज? कम से कम 15,000-10,000 बढ़ती जा रही है। अच्छा। तो यहाँ पे और भी यहाँ के कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। तो देखते कौन बताता है। हर हर महादेव। जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं भोजन व्यवस्था संभाल रहे हैं यहाँ की, जिसमें लोग झूठा न जाए थाली में डालें उसके लिए हम विशेष रूप से काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग खाना खा के बहुत प्रसन्न होकर हमको दुआएं देकर जा रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं लोग। अभी आप देख सकते हैं कि बाहर जितने पंडाल बने उससे कई गुना ज़्यादा लोग धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल चल रहा है।
बहुत लोग यहाँ पे प्रसाद भोजन ग्रहण कर रहे हैं और मोहन बयाने भी बहुत अच्छा व्यवस्था कर सभी भक्तों को यहाँ बहुत अच्छा मान सम्मान खाना पीना सब मिल रहा है और गुरुजी की प्रेरणा से बहुत लोग सनातन की ओर बढ़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। ऐसा ही इनका कार्य चलता रहे और हमको सनातन की सेवा करने का मौका मिलता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अभी हम लोग लंगर सेवा के यहाँ पर आए, अभी भोजन यहाँ पे शुरू होने वाला है, उसकी तैयारी यहाँ पे शुरू है। तो यहाँ पे हमारे साथ में भोजन वाटर समिति के कुछ कार्यकर्ता है जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें उनका एक्सपीरियंस कैसा है इस सेवा से लेकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम यहाँ शिव महापूजन में सम्मिलित हुए, हमारी ये भोजन व्यवस्था है। यहाँ का शिव महापुराण का आखिरी दिन है और यहाँ पे 2400 घंटे भोजन की सेवा दी जा रही है। आज लाखों मात्राओं में यहाँ पे पब्लिक आई हुई है। इन सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मतेज जी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें सेवा का मौका दिया और इस भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया। सो गाइस, अभी 11 बज चुके हैं और 11 बजे यहाँ पे महाप्रसाद शुरू हो चुका है, महाप्रसाद भी बोलेंगे, लंगर सेवा शुरू हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है और कैसे किस तरीके से व्यवस्था है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम अन्नपूर्णा व्यवस्था समिति के ये सभी कार्यकर्ता है। मोहन मते जी द्वारा हमें शिव महापुराण में सेवा देने का मौका मिला। आज यहाँ नागपुर में आयोजित शिव महापुराण में कम से कम 10 लाख के ऊपर पब्लिक है। आज इनकी व्यवस्था का जिम्मेदार हम सभी सेवाधारियों पे, ये हम एक अकेले की मेहनत नहीं, हमारे पूरे ग्रुप की मेहनत है। ये करने वाले हम नहीं, करवाने वाले वो महादेव है। महादेव की कृपा से आज हमें मौका मिला, आज हम इतने लोगों की सेवा कर सके। ये भोलेनाथ की कृपा है कि हमें इतना इस लायक समझा गया कि हम यहाँ सेवा दे सके। ये हम सब भाइयों की मेहनत है, हम एक की मेहनत नहीं, ये पूरे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। इसीलिए सभी को आभार प्रकट करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। हालो हालो हरे एक लबन गौरव पार्वती हरे महादेव। सो गाइस, अभी कथा खत्म होने के बाद में हम लोग यहाँ पर अंदर के पंडाल में आए हैं और देख सकते हो इधर का पूरा व्यू आपको कैसा दिखाई देता है। बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी सब लोग खाना खाने की तरफ में गए हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है इधर, यहाँ से आके ठंडा लग रहा है क्योंकि सुबह से धूप में ना पूरा घबराहट जैसे हो गया था। धूप में बैठ के हम लोगों ने खाना खाया इसके लिए। सो गाइज, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और कथा बहुत ही अच्छी लगी और के बहुत लोग यहाँ पर आज आए थे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको नागपुर में जो भी प्रोग्राम हो गया ना उसके वीडियोज आपको देखने को मिलते रहेंगे गाइस, ठीक है।